हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क। ये वैसे तो क्लास 10th का टॉपिक है, लेकिन आपके जनरल कंपटीशन में, 12th में, हर जगह ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए इसको आप बहुत ही अच्छे से देखें और बहुत मैं प्यार से समझाने वाला हूं। हर चीज़ को बारीकी से बताऊंगा कि आखिर हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। तो एक बार फैक्ट्स को रिपीट कर लिया जाए कि क्यों पढ़ रहे हैं ब्रेन। थोड़ा सा देखिए, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ब्रेन के बारे में कुछ कुछ। देखिए, ब्रेन हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो हमारा मेमोरी का काम करता है और सीपीयू का काम करता है। यानी बॉडी को एक कंप्यूटर माना जाए तो हमारे बॉडी का मेमोरी यानी हर चीज़ को याद रखने वाला जो फंक्शन है, ये हमारा ब्रेन ही है। अगला सीपीयू यानी हमारे पूरे बॉडी को चलाने वाला, जैसे कंप्यूटर बिना सीपीयू के नहीं चल सकता है, उसी तरीके से हमारा बॉडी बिना ब्रेन के नहीं चल सकता है। बोले सर, जो पगलाहा होता है उसका बॉडी कैसे चल जाता है? तो जो पगलाहा होता है ना, उसका ब्रेन उतना काम करता है कि बॉडी को कंट्रोल करे। अभी समझाएंगे, यदि आपका ब्रेन काम करना बंद कर जाए तो आप एकदम कोमा में चले जाइएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे ब्रेन का, हमारे बॉडी का मेमोरी और सीपीयू कौन है? ये हमारा ब्रेन है। अगला, आप जितना भी चीज़ खाते हैं, जितना भी ऑक्सीजन लेते हैं, उसका 20% जो है ना, ये ब्रेन अकेले यूज़ कर लेता है। यानी आप यदि 100 कैलोरी खाना खाते हैं, वो 20 कैलोरी हमारा ब्रेन ले लेता है एनर्जी का। यदि आप ऑक्सीजन ले रहे हैं 100%, तो 20-22% ऑक्सीजन हमारा ब्रेन ही ले लेता है। तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा एनर्जी और कितना ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहा है। सर, इसका काम भी तब तो बहुत होगा, सोचने वाली बात है। जी, बहुत ज़्यादा काम है इसका। अगला, वजन का बात किया जाए तो एक एवरेज वज़न लगभग 1500 ग्राम माना जाता है, 1450 ग्राम, लगभग 1500 ग्राम यानी 1.5 किलो का आपका दिमाग है। यानी आपका इतना बड़े बॉडी में मात्र 1.5 किलो का ब्रेन है खोपड़िया में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आयतन कितना होगा सर, कितना उसमें पानी वानी अटेगा यदि निकाल के देखा जाए तो? ये 1650 ml होता है, ठीक है ना, उससे थोड़ा सा, वजन से ज़्यादा। अगला, इसमें न्यूरॉन कितना है? न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। मैंने बता रखा है हमारा ब्रेन जो बना हुआ है ना, तंत्रिका कोशिका से बना हुआ है, कुछ कुछ के तंत्रिका कोशिका भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है सर? तो कहा जाता है 86 बिलियन तंत्रिका कोशिका हमारे माथा में है, हमारे मस्तिष्क में है। एक तंत्रिका कोशिका हमारे बॉडी का एक ब्रेन हुआ छोटा सा, और वैसा 86 बिलियन ब्रेन मिलके एक सुपर ब्रेन बनाता है जो हमारा दिमाग है। अगला, हमारे शरीर में हमारे ब्रेन से निकलने वाला दो मेन न्यूरॉन निकलता है। इसमें से एक होता है कपाल, एक होता है मेरु, ठीक है ना। कपाल जो ब्रेन से कनेक्टेड होगा, ब्रेन को कनेक्टेड करेगा। मेरु जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होगा। तो जो कपाल से निकलने वाला कपाल तंत्रिका होता है, इसका संख्या 12 जोड़ी है, जबकि मेरु कोशिका का मेरु तंत्रिका का संख्या 31 जोड़ी है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ये देखिए, इतना प्यारा प्यारा सा हमारा ब्रेन के बारे में था, पढ़ना हमारा जानने वाला चीज़ था। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे ब्रेन का जो लेफ्ट भाग है वो बॉडी के राइट भाग को, और राइट ब्रेन बॉडी के लेफ्ट भाग को कंट्रोल करता है। यानी इधर वाला ब्रेन इस हाथ को कंट्रोल करता है, इधर वाला ब्रेन इस हाथ को कंट्रोल करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बारी बारी से हर चीज़ को समझते हैं। तो हमारे ब्रेन का पार्ट सर कितना होता है, कैसा होता है? देखिए, यहाँ पे जितना पिक्चर है अपने ब्रेन का ही है। इस तरीके से आपका आँख भी आपके ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। ये आपका पूरा का पूरा ब्रेन है, ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा ब्रेन है। इसी तरीके से ब्रेन के, ये देखिए, ये जो पिंक सा दिख रहा है ऊपर, ये तो हमारा ब्रेन है ही। अब ब्रेन के अंदर में भी देखिए एक छोटा सा ब्रेन है, ठीक है ना। तो ब्रेन का टाइप्स में समझेंगे हम। यहाँ पे देखिए, ब्रेन के अंदर में आँख कहाँ पे कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। ये जो छोटा सा फंक्शन है, ये क्या है, हर चीज़ के बारे में बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, ये हमारा सबसे ऊपर वाला ब्रेन, ये हमारा मिडल वाला ब्रेन, और ये सबसे लास्ट वाला ब्रेन, नीचे वाला, हमारे ब्रेन का तीन भाग है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये हमारे ब्रेन के सबसे लास्ट वाला पोर्शन है। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रेन के टाइप्स को समझते हैं। ब्रेन के पार्ट्स को समझते हैं, ब्रेन के भाग को समझते हैं, मस्तिष्क के भाग को समझते हैं। हमारे ब्रेन का तीन मुख्यतः भाग है। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। यानी अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन है ना, मिडल ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, और पीछे का ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। अब तीनों का बहुत ज़्यादा टाइप्स होता है, हर टाइप्स को अपने क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो आपको अभी से लेकर जनरल कंपटीशन के लिए सिर्फ इतना ही टाइप्स जानना है। आप आगे चल के ब्रेन का कोई सर्जन वगैरह बनिएगा, ब्रेन का डॉक्टर बनिएगा, तो उसमें हर पार्ट्स का, बहुत सारा पार्ट्स आपको पढ़ना होगा। तो हमारा जो अग्र मस्तिष्क है, जिसको प्रमस्तिष्क के भी नाम से जाना जाता है, ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है।
ये लगभग 66% ब्रेन का आयतन यही होता है, यानी एक किलो का ब्रेन है ना, 660 ग्राम का अग्र मस्तिष्क ही है, यानी सबसे बड़ा भाग हमारे मस्तिष्क का कौन सा है, तो ऊपर लका भाग है। इसका चार पार्ट होता है, पहला है सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस, चौथा डाइएन्सेफलॉन, ठीक है ना, डाइएन्सेफलॉन ऐसे पढ़ना है इसको। ये चार पार्ट है हमारे पहले ब्रेन का, अग्र मस्तिष्क का। अब मध्य मस्तिष्क का दो पार्ट है, एक कार्पोरा एक सेरिब्रल, ठीक, और जो हमारा लास्ट ब्रेन है जो हमारे पीछे में यहाँ पे पाया जाता है पश्चिम मस्तिष्क, इसका दो पार्ट है, एक सेरिबेलम है एक मस्तिष्क स्टेम है। सेरिबेलम तो हमारे बॉडी का अनुमस्तिष्क कहलाता है, जबकि ये जो मस्तिष्क स्टेम है इसका दो भाग है, एक पॉन्स वेरोलाई है, मेडुला अबलंगोटा है, दो पार्ट है इसका। अब इन सभी का फंक्शन आपको समझना है, कैसे ये सब काम करता है बेचारा। सर दिमाग सठिया काहे जाता है, गुस्सा काहे आता है, किसी को देख के प्यार काहे आ जाता है, भूख लगल रहता है, खाना देखते हैं और ज़ोर से भूख लग जाता है, ऐसा काहे होता है सर। गुस्सा में अपने दुश्मन को देखते हैं और गुस्सा आ जाता है, प्यार में अपने दोस्त को देखते हैं तो उस पर और प्यार आ जाता है, पैसा भी देते हैं, बाइक का चाबी दे देते हैं खुश होके, आखिर ऐसा कैसे है। तो इन हर चीज़ों को हम लोगों को समझना है बारी बारी से, बिल्कुल ही मज़ेदार तरीके से, ठीक है ना। आप वीडियो रोक के इन सब चीज़ों को लिख लिया करें, क्योंकि अब हर चीज़ को हम लोग समझेंगे एकदम फुल डिटेल में। लेकिन इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा आपका ब्रेन है कहाँ पे। तो उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे मस्तिष्क का कुछ पार्ट्स बना के रखा है, कितने भागों में मस्तिष्क को कवर करके रखा गया है। तो देखिए, पहला है बाह्य भाग। बाह्य भाग में हमारा खोपड़ी आता है, खोपड़ी माने हड्डी। देखिए, हमारा जितना भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है ना, जितना भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, हर ऑर्गन के ऊपर में भगवान ने कवर लगा के भेजा हैवी मजबूत वाला, ठीक है ना, कि जिसके बिना हमारा बॉडी चल नहीं सकता है। आप लोगों का ध्यान गलत जगह पे जा रहा है, सर वहाँ पे कवर नहीं होता है टेस्टिस में, लेकिन टेस्टिस हमारे बॉडी का कोई वैसा इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपका ब्रेन, आपका हार्ट, ये आपके बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना आपका बॉडी नहीं चलेगा। इसीलिए देखिए, मस्तिष्क है ना हमारा, ब्रेन जो है हमारा दिमाग के ऊपर एक कवर लगा के भेजा, नहीं तो कोई भी आएगा तुम्हारा दिमाग हसोतले चल जाएगा, ऊपर से क्या रे दोस्तों क्या हाल है ऐसा करके चल जाएगा, मुड़ी हिल जाएगा पूरा, अंदर में कितना बार इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, झटका लग जाएगा, कितना तंत्रिका परेशान होगा, समझ रहे हैं। इसीलिए भगवान होशियारी किए हैं, जो भी अपने गॉड अल्लाह भगवान हैं, हम लोगों के बनाने वाले क्रिएटर हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा मजबूत सा वो बना दिया, इसीलिए तो क्या टकला बजा लेते हैं ऐसे करके हम लोग रजनीकांत की तरह, है ना। तो वैसे ही हमारे हार्ट के चारों बगल देखिए हड्डी दिया हुआ है ना, फेफड़ा वाला, तो हमारे बॉडी के फेफड़ा के ऊपर में जो हड्डी है ना, ये वाला रिब्स, तो हमारे हर जगह पे इम्पोर्टेंट पार्ट के ऊपर में अच्छा सा हड्डी दिया हुआ है, यानी उसी हड्डी को, ब्रेन के ऊपर वाले हड्डी को हम लोग खोपड़ी कहते हैं, जो क्रेनियम नाम के हड्डी से बना होता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, मस्तिष्क के ऊपर वाले हड्डी का क्या नाम है, तो क्रेनियम हड्डी है, इसके बारे में भी और कुछ समझेंगे। दूसरा मिडल पार्ट आता है, मिडल पार्ट में हमारा पूरा का पूरा सेरिब्रम वाला सिस्टम है, ठीक है ना, ये जो बीच में, अभी मैं पिक्चर में यदि यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये हमारा सबसे ऊपर में कवर बना रहा है, ये देखिए, ये हमारा खोपड़ी है, ठीक, ये खोपड़ी है, ये जो स्काई ब्लू लाल कर लेता हूँ आपको ज़्यादा बढ़िया दिखेगा, ये अपना खोपड़ी है, ठीक है ना। खोपड़ी के अंदर में ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो बीच वाला बच गया, ये पीला सा जो मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट हम, ये जो बीच वाला पार्ट है ये है सेरिब्रम, और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है ये वाला हमारा हाइपोथैलेमस और थैलेमस है। चलिए, ये सबसे लास्ट आंतरिक भाग है हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। तो अब बारी बारी से सबको पढ़ते हैं कि सर खोपड़िया के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, क्रेनियम जो है ना हमारे मस्तिष्क का एक बाह्य भाग है ना, हमारे मस्तिष्क का एक बाह्य भाग है, ठीक है ना, जो एक कठोर आवरण के रूप में हमारे बॉडी पे काम करता है। थोड़ा कलर सही करने दीजिए, ठीक है ना। हमारे बॉडी में क्या करता है, एक कठोर सा आवरण बनाता है, 8 हड्डियों से मिलकर ये बना होता है, ठीक है ना, 8 हड्डियों से मिलकर क्रेनियम बना होता है। ताकि देखिए, एक ही क्रेनियम हड्डी रहेगा, हमारा मूवमेंट कैसे होगा बॉडी में, मुंडी हिलेगा कैसे, है ना। आपका एक एक हड्डी यहाँ से यहाँ रहता तो यहाँ हिलता नहीं है, जिस तरीके से आपका एक ही, मतलब एक ही हड्डी में पूरा फिक्स रहता है, हिलता 14 हड्डी होता है इस मुक्का में, है ना। आपके फेस में भी 14 हड्डी लगा हुआ है, इसी तरीके से खोपड़िया में 8 हड्डी है, ठीक है ना। आवरण क्यों जरूरी है,
अब बाहरी आघात से, बाहरी चोट से बचाने के लिए, देखिए वैसे अभी आप कभी कभी घर में बैठे होते हैं, उधर से आते हैं कोई पापा कनपट्टे पर लगा देते हैं या ब्रेन में फट से ठोक देते हैं, खोपड़िया है तब ना बचे, खोपड़ी नहीं होता मार देता पागल हो जाएगा इंसान, ठीक है ना। तो हमारे ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क को बाह्य आघातों से बचाने के लिए क्रेनियम जरूरी है, ठीक है ना। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा कोमल अंग है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, संवेदी अंग है, यदि इस पे थोड़ा भी इधर उधर हुआ पूरा बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए हमारे बॉडी के, ब्रेन के जस्ट ऊपर में ये देखिए मोटा सा हड्डी लगा होता है क्रेनियम का, और बहुत मजबूत हड्डी होता है, ठीक है ना। चलिए इसलिए यहाँ पे देखिए कैसा कंकाल ये होता है हड्डी का, 1 2 3 4 पीछे भी 4 4 4 8 पार्ट होता है, इसके अंदर बीच में हमारा दिमाग घुस के बैठल होता है, ठीक है ना। इस तरह का प्यारा सा ब्रेन होता है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा नाम है मेनिंजीज। अब बोलिएगा सर ब्रेन आपका बोल रहे हैं बड़ा मुलायम मुलायम होता है, ऊपर में हड्डी बहुत कठोर सा है, तो जब उछलेंगे तो ब्रेन हड्डी में टकराएगा तो चोट नहीं लगेगा ब्रेन को, तो ब्रेन कभी इधर खुल नहीं जाएगा। ये सब बात तो हम लोगों के बनाने वाले ने भी सोचा होगा, हम लोगों से तो होशियार होंगे वो जो भी होंगे। अब उन्होंने क्या किया, पूरे ब्रेन को एक पन्नी में बांध दिया है ताकि देखो तुम हिलना से छटपट नहीं करना, उसी पन्नी का नाम है, उसी झिल्ली का नाम है मेनिंजीज। मेनिंजीज क्या है, तो ब्रेन के ऊपर एक पतला सा आवरण, मस्तिष्क के ऊपर एक पतला सा आवरण है जो मस्तिष्क को बांधे रखता है, उसी आवरण को मेनिंजीज कहते हैं। और मेनिंजीज में होने वाले लगने, चोट लगने के कारण कोई बीमारी यदि होता है उसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है, ठीक है। मेनिंजाइटिस आपको ध्यान में आ रहा होगा, कोई सा आप सेकेंड हिंदी में कोई कहानी पढ़े होंगे, मंगू या पपाती वाला, है ना। चलिए अब आगे आते हैं यहाँ पे, तो क्या है मेनिंजीज, हमारे मस्तिष्क के ऊपर का एक पतला सा झिल्ली है, जो झिल्ली क्या करता है मस्तिष्क को बांधे रखता है। अब सर झिल्ली है तो ये तो हमारा ठीक है सर, ये वाला मेनिंजीज हो गया, ये वाला लाइन, ये मेनिंजीज है कवर। अब सर मेनिंजीज ही है, ठीक है, ऊपर हड्डी है, ढकड़ ढकड़ काहे नहीं करता, ऐसे ऐसे करता है ढकड़ ढकड़ करना चाहिए, काहे नहीं करता है, क्योंकि इस हड्डी और इसके बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड उस लिक्विड का नाम है, हिंदी में भी इसको यही कहते हैं सेरिब्रल, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड कहते हैं या द्रव कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, तो चोट को रोकेगा। आप सोचिए आप मुंडी यहाँ रख दिए हैं, ऊपर से कोई मुक्का मारेगा, चोट लगना स्वाभाविक बात है। अब क्या करिए, ये वो गुब्बारा लीजिए, गुब्बारा में पानी भर के तब मारिए तो चोट लगेगा, नहीं लगेगा, वही बात है। तो ये सेरिब्रोस्पाइनल द्रव क्या करता है, तो हमारे ब्रेन में बाहर से लगने वाले खोपड़ी का झटका उटका को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना, हमारे ब्रेन को सुरक्षित करता है। इसका काम क्या है मेनिंजीज को, मस्तिष्क का, मस्तिष्क को बाह्य आघात से सुरक्षा दिलवाना इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड का काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो बता ही दिया अभी जस्ट बताए। चलिए अब आता है सर ब्रेन का काम, ब्रेन का सारा ऊपर का चीज़ तो समझ गए, ब्रेन के सबसे ऊपर में जो हड्डी लगल होगा उसको क्रेनियम कहेंगे, ब्रेन जिस झिल्ली में पैक होगा मेनिंजीज कहेंगे, मेनिंजीज और क्रेनियम के बीच में एक द्रव भरा होगा, द्रव को सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहेंगे। अब आते हैं ब्रेन पे, सर बहुत प्रकार का ब्रेन बताए थे, काम बताइए। सबसे पहला हमारा अग्र मस्तिष्क है ना, आगे वाला ब्रेन, इसको कहा जाता है हमारे शरीर के चतुराई का केंद्र, ठीक है ना, अग्र मस्तिष्क को। अग्र मस्तिष्क का दो मेन पार्ट है, कौन नंबर में आता है सेरिब्रम, और कौन नंबर में आता है डायनोसोफ्लॉन, है ना, डायनोसोफ्लॉन सेफ्लॉन सॉरी सेफ्लॉन है ना डायनोसोफ्लॉन, ठीक है ना। तो सेरिब्रम जो होता है ये क्या करता है, आपका जितना भी आप सोच पाते हैं, निर्णय ले पाते हैं, याद रख पाते हैं, ये सारा का सारा काम किसका है, सेरिब्रम का ही। जो भूलने का जिसको बीमारी होता है उसका सेरिब्रम कमज़ोर होता है, ठीक है ना। अब समझाते हैं थोड़ा सा कैसे, यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट देख रहे हैं ना उजला वाला, एक उजला वाला मैं बनाता हूँ थोड़ा सा, ये वाला पार्ट ये पूरा का पूरा सेरिब्रम है, और इस बीच में भी ये वाला पार्ट सेरिब्रम है, छोटा सा ये वाला भी पार्ट सेरिब्रम है, ठीक है ना। सेरिब्रम हमारे बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट है, ये जो हम लोग बोले 66% होता है, तो यही होता है 66% सेरिब्रम ही। सेरिब्रम किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क का, यानी आगे वाले ब्रेन का भाग है, सबसे ऊपर में अग्र मस्तिष्क, उसके बाद मध्य मस्तिष्क, लास्ट में अनुमस्तिष्क यानी नीचे वाला पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। ये क्या करता है, चतुराई का केंद्र है, यानी हम लोग वो जो दिमाग लगा पाते हैं। अगला, याद या स्मरण क्षमता इसी के पास रहता है, जिज्ञासा, नए नए चीज़ों को सीखने की जो इच्छा होती है ये इसी की वजह से होता है। जिसका ये कमज़ोर होता है ना वो बच्चा कमज़ोर होता है, वो जल्दी भूल जाता है। अब किसी का बोलिएगा सेरिब्रम सर एकदम में कमज़ोर होगा तो क्या होगा,
तो जब बताओगे ये देखिए तुम्हारे पापा जी हैं, मम्मी जी हैं, भैया जी हैं, तो मानेंगे नहीं? तो जैसे आज तुमको हम पढ़ा के जाएंगे, कल जैसे मेरा वीडियो जाएगा, आप गौतम सर हैं क्या? आप हमको कभी पढ़ाते थे क्या? ऐसे घर में जा कहिएगा, आए हो आप मेरे पापा हैं क्या? हैं अरे मम्मी तुम मेरी मम्मी है। उधर से कनपटे व भैया आके लगाएगा, अरे दो अक्षर पढ़ने लिया बापे माए को भूल गया। इसीलिए ये मजबूत होना एकदम जरूरी होता है, नहीं तो आप सब कुछ भूल जाइएगा, ठीक है ना। सेरिब्रम का काम हो गया। अगला थैलेमस है। थैलेमस बड़ा अच्छा काम करता है। थैलेमस क्या करता है कि आपके बाहर का तापमान घट जाता है तो आपको पता चल जाता है ना, जैसे एसी वाले रूम में बैठा ठंडा ठंडा लगता है, एसी वाले रूम से बाहर जाते गर्मी गर्मी लगता है। तो ये जो सिग्नल हमारी बॉडी में आता जाता है, ये जो सोच महसूस कर पाता है, वो है तुम्हारा थैलेमस। हालांकि इसके साथ मिलके ये थैलेमस काम करता है। तो ये क्या करता है, बाह्य और आंतरिक ताप का अनुभव करता है, ठीक है ना, बाहर और अंदर के टेम्परेचर के चेंज को ये मेंटेन करता है। तीसरा है हाइपोथैलेमस, और ये बड़ा खतरनाक वाला पार्ट है, ब्रेन का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, ब्रेन को डिस्टर्ब करने वाला। हम लोग दसवां तक के हिसाब से देख रहे हैं। आप लोग बोलिएगा, कोई पता चले बहुत ज़्यादा पढ़ के वीडियो देख के आते कहते सर आप तो गलत ही बता दिए बच्चा को, अब एकदम इंटरनल बात बताने लगे एकदम लास्ट पॉइंट वाला, बच्चा समझ में नहीं आएगा कुछ। यार वैसे लोग मत देखा करो वीडियो, हम बच्चों को पढ़ाते हैं जो बच्चे सीख सकें, अपने एग्जाम में लिख सकें, अपने ब्रेन के बारे में मोटा मोटी बात जान सकें। पढ़ाई का कोई अंत नहीं होता है बाबू, पढ़ते जाओ पढ़ाई बढ़ते जाएगा। हम लोग फिलहाल जो पढ़ रहे हैं, हम लोग देखिए मस्तिष्क को तीन भाग में बांटे थे, ऊपर लका मस्तिष्क को हम लोग बोले थे क्रेनियम खोपड़ी, ठीक है, बीच वाले मस्तिष्क में सेरिब्रम पढ़ेंगे, लास्ट वाले मस्तिष्क में हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में सबसे अंदर में पाठ पाया जाता है। उसी तरह से मस्तिष्क का तीन भाग बांटे हम लोग, अग्र मस्तिष्क जिसमें हम लोग सेरिब्रम थैलेमस हाइपोथैलेमस और डायंसेफ्लोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डायंसेफ्लोन के बारे में पढ़ेंगे। और उसी तरह से मध्य मस्तिष्क में हम लोग कारपोरा के बारे में पढ़ेंगे, सेरिब्रल के बारे में पढ़ेंगे। और अनुमस्तिष्क यानी पश्च मस्तिष्क के बारे में, अनुमस्तिष्क को इसी कहा जाता है नहीं, पश्च वाले को अनुमस्तिष्क कहा जाता है ना। अनुमस्तिष्क में हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सेरिबेलम के बारे में पढ़ेंगे और एक मस्तिष्क स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम क्या होता है, हमारे मस्तिष्क का चतुराई का केंद्र होता है। सेरिब्रम हमारे स्मरण क्षमता को बनाए रखता है, हमें याद करने में सहूलियत होता है और हम नए नए चीज़ों को सीखने की इच्छा प्रकट करते हैं, यानी हमारे जिज्ञासा को बनाता है। क्या होगा सर यदि सेरिब्रम कम हो जाए, तो हम लोग याद नहीं रख पाएंगे, चीज़ों को सीखने की इच्छा नहीं व्यक्त कर पाएंगे। और ये सेरिब्रम याद रखिए स्टार्टिंग फेज 6 साल से लेकर के 13 साल तक, साइंटिफिक अभी हाल फिलहाल का न्यूज मैंने देखा है, इस समय पे ये सेरिब्रम बहुत हाईली एक्टिव रहता है। इस समय आप अपने बच्चे को जो सिखाइएगा ना खटाखट सीखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग वैसे भी कहते हैं, हम लोगों के जो ग्रंथ के हिसाब से कहा जाता है, जब हम लोगों का शिक्षा संस्कार स्टार्ट हो जाता है उस समय से, हम लोग कब 18 वर्ष तक तो गुरु आश्रम में रहते थे, वैदिक का बात किया जाए क्यों रखा जाता था, क्योंकि 5 साल से लेकर 18 साल तक हमारा ब्रेन विकसित हो रहा होता है। उस समय हमारे ब्रेन को कंट्रोल में रखना होता है। गलत चीज़ों की ओर ले जाइएगा आपका दिमाग आपको गलत बना देगा, सही चीज़ों की ओर लाइएगा आपका दिमाग आपको सही बना देगा। गलत चीज़ों की ओर जाइएगा तो आप एक दिन दुर्लभ कश्यप बन जाइएगा, एकदम मस्त सा भौकाल मचाइएगा, अंतिम में उठा के कोई चढ़ा देगा फांसी पे, गोली लगा देगा, दुगो सटा देगा कनपटे में, ठीक है ना, आप भी बेहोश होकर सो जाइएगा। सर मर जाता है, वैसे मर जाते हैं पता ही है, और नहीं तो थोड़ा और बढ़िया से पढ़ लीजिए तो आप सुंदर पिचाई बन के आगे चल के गूगल का CEO भी बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस टाइम पे हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा कवर करके रखना पड़ता है, सुरक्षित करके रखना होता है, बाह्य वातावरण के गंदगी को आने से रोकना होता है। इसी समय आप अच्छा भी बन सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं। हर कोई समझाता है, समझता कौन है, हम भी अभी आपको समझा रहे हैं, समझिएगा, नहीं समझिएगा तो एक दिन वहीं मिलिएगा, कहीं मिलिएगा गलती से। अभी देखो जो संभाल लिया ब्रेन को वो कहीं मिलेगा, एकदम मस्त सा DM बन के गाड़ी से जा रहा होगा, हमको कभी देखेगा पैदल साइकिल से सर जी दया जा रहे हैं, हम सर देख के तो नहीं लगता है साइकिल से जाते होंगे, खैर हम यदि बाइके से जा रहे होंगे गड़िया रोकवा के गलती से आके उतर के वह प्रणाम सर आप ही से पढ़े थे, रसगुल्ला खिलाएगा, जानते उस समय मेरा क्या रुतबा रहेगा। और वहीं ठेला वाला एकदम ठेला खींच के आ रहा होगा, सर क्या हाल है, कौन है वे, आप ही से पढ़ते थे सर, बोलबो नहीं करना ठेला खींच रहा है, लोग जानेगा हालत पंचर हो जाएगा, है ना। एक बच्चा बोला टीचर को, सर आज टीचर डे है, एगो फोटो सेंड करिए ना स्टेटस पे लगाना है। टीचर बोले ये बात हमको बोल दिया, दोबारा किसी को बोलबो नहीं करना, तुम मेरा विद्यार्थी कोचिंग बंद करवाएगा, ऐसा मत बन जाइए, ठीक है ना। समझने के बाद क्या है,
हम लोगों का ब्रेन सबसे ज़्यादा हाइपर एक्टिव कब रहता है, सबसे ज़्यादा उत्तेजित कब रहता है, सबसे ज़्यादा सीखने का क्षमता कब रखता है, ये 5 साल से 15 साल के बीच में बहुत अच्छे से क्षमता रखता है याद रखने का, ठीक है ना। इस समय अपने दिमाग में आप जितना चीज़ कोसते जाइए पागल नहीं होइएगा, आप जितना अच्छा चीज़ डालिएगा सीखते जाइएगा, ठीक है ना। और अभी ये टेंशन नहीं लीजिए, अभी ये प्रेशर नहीं डालिएगा माथा पे, आगे नहीं आप बना सकते हैं तेज, आप अपने दिमाग का बाद में उपयोग कर सकते हैं, तेज अभी ही बना सकते हैं। इंटर तक एकदम मस्त लगे रहिए पढ़ाई में, आपका दिमाग इतना तेज हो जाएगा ना, फ्यूचर आपका एकदम मस्त कर देगा। जॉब नहीं भी लगे तो जॉब क्रिएट कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पे जॉब ही हर चीज़ थोड़ी होता है, हम कहाँ कहते हैं सब बच्चे जॉब ले लो, है ना। जॉब सबको जॉबें खोजोगे, सब जॉबें करेगा तो बाकी काम कौन करेगा, है ना। इंडस्ट्री कौन संभालेगा, देश कौन संभालेगा, अरे प्रधानमंत्री बनो यार, है काहे बोलते हैं हम जाके, तुम 30,000 रुपये महीना वाला डंडा घुमाने वाला नौकरी करो। चलो आ जाओ, मजाक कर रहे थे। चलिए थैलेमस क्या है। थैलेमस हमारे ब्रेन के अग्र मस्तिष्क का एक भाग है जो क्या करता है, बाह्य तापमान और शरीर के अंदर तापमान के परिवर्तन का याद दिलाता है। तीसरा हाइपोथैलेमस। अब यही खचरपनी करता है। कौन सा खचरपनी, ये जो संभालना और बिगाड़ना होता है। हाइपोथैलेमस देखिए पहले समझिए करता क्या क्या है। ये आपके अंदर फीलिंग्स को जगाएगा, प्यार वाला फीलिंग्स। अब हमेशा वही वाला प्यार नहीं, बचपन वाला ही प्यार नहीं, वो वाला प्यार जो आप मम्मी पापा को भी दिखाते हैं, वो वाला प्यार जो आपके भाई भाई के बीच में होता है। सर वो तो रात में दिखता है, भाई भाई एक के लात में उतार देते चौकी पर से, बहन होती है तो सर एक दिन गलती से मेरा कपड़ा छुए न, अगला दिन तो उसका झटकी लिवा देंगे, है ना। वो एक तरह का प्यार ही हुआ, रक्षाबंधन में एकदम प्यार से बांधते हैं गिफ्ट, आपके भाई को कोई मारने आता है दौड़ के जाते हैं बचाने के लिए, है ना। तो ये वाला जो प्यार होता है, ये वाला प्यार प्लस में ये वाला प्यार, दोनों प्यार को यही कंट्रोल करता है, है ना। अगला आपके अंदर नफरत जो बढ़ता है, यही है हाइपोथैलेमस ही। इसी के वजह से आपको गुस्सा आता है, आपको प्रेम आता है, आपको नफरत होता है किसी से, ठीक है ना। अगला गुस्सा भी इसी के वजह से आता है। तीसरा आपको प्यार जगाना, प्रेम प्यार, प्यार मतलब हो गया ये वाला, प्रेम मतलब हो गया घरेलू प्रेम, मम्मी पापा से, अपने देश से प्रेम, अपने धरती से प्रेम, है ना। चलिए कष्ट यानी आपको जब दुख दर्द तकलीफ होता है ना, उसका भी कारण यही है। अगला आप जो खुश हो जाते बहुत ज़्यादा, इसका भी कारण यही है। आपको भूख लगना, प्यास लगना, टॉयलेट लगना, पेशाब लगना, सब यही कंट्रोल करता है। लेकिन क्या है कि साइंटिफिक आंकड़ा के अनुसार देखा जा रहा है कि हाइपोथैलेमस बहुत जल्दी एक्टिव हो सकता है, बहुत जल्दी ये रेस्ट भी जा सकता है, रेस्ट में भी। और जब ये एक्टिव होता है तो सेरिब्रम थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा हाइपर एक्टिव चीज़ है, समझे ना। ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, उस समय इसका बात नहीं हम लोग मानेंगे, इसका बात मानेंगे। और ये इतना जल्दी एक्टिव हो जाता है, कहा जाता है 7 से 10 सेकेंड के बीच में हाइपोथैलेमस हमारा एक्टिव हो सकता है। यानी आपको किसी पर गुस्सा लाना है ना लड़ाई में, 7 से 10 सेकेंड काफ़ी है। प्यार लाना है ना, 7 से 10 सेकेंड काफ़ी है। अब बोले सर खाना को देखते रहते हैं भूख क्यों लग जाता है, आपको पहले भूख लग रहा था और भूख लगाने वाला हाइपोथैलेमस है ना, भूख लगाने वाला हाइपोथैलेमस है। अब खाना को देखते रहिएगा, 5-7 सेकेंड देख लिए आपको खाना पे प्यार आ गया, तो फिर आप भी गाइएगा आज फिर तुम पे प्यार आया है, पहली बार भर के थाली मेरे हाथ आया है, है ना, एकदम ले चपा चप दे ले जाइएगा। तो वो जो आपको खाना वाना खाने लगते हैं, खाना देख के भूख लग जाता है, दुश्मन को देख के गुस्सा आ जाता है, और दोस्तवा और दोस्तनी को देख के प्यार आ जाता है, ये वाला जो बात है ना, ये वाला भी प्यार, ये जो जितना भी बात हम बताए ये हाइपोथैलेमस का ही देन है। और हाइपोथैलेमस पे जिसने कंट्रोल कर लिया ना, वही बन जाता है साधु महात्मा, है ना। उन्होंने हाइपोथैलेमस पे कंट्रोल रखता है, देखना उनको कोई मतलब नहीं, आप उसने उनसे प्यार करिए नहीं करिए, उनसे गुस्सा करिए, उनसे घृणा करिए, है ना, उनको प्यार कष्ट ये सब कुछ नहीं होता है। नहीं कितना अच्छा, तो हिंदी में आप लोग गुरु गोविंद सिंह वाले में पढ़े होंगे, तय घट ब्रह्म निवासा, है ना, मान अपमान का जिसको भय नहीं, जो माटी सोने को भी माटी समझता है, जिसको कृत्य अकृत्य का कोई अनुभव नहीं हो, यही साधु महात्मा कहलाते हैं। अब बोलिएगा सर हम तो सुने हैं कि सर वो फिल्म सब में देखता है, ना भूख लगे ना प्यास लगे, गाना सर सुना है मैंने, कोई दर्द जो दे देना, किसी को दिल नहीं हो देना। सर सही बात है, ये बात सही है, है ना, क्योंकि देखिए भूख प्यास यही डिसाइड करता है, भूख प्यास यही डिसाइड करता है। अब होता क्या है कि आप जब हाइपोथैलेमस एक्टिव है तो आप पहले वो जिसको जो काम अच्छा लगेगा वो करेगा। ये बोलेगा देखो भैया इसको याद है, वो तुम्हारे दुश्मन का बचवा है, उसको मत देखो। लेकिन ये कहेगा नहीं नहीं देखो देखो रे गलत कह रहे हो, देखो तल और देखोगे बाद में कुटाओगे तो तकलीफ किसको होगा, इसको बोलेगा रे बकलोलवा बता रहे थे, सुना था तुम मेरा बात। इसीलिए हाइपोथैलेमस को कंट्रोल में रखना होता है, ठीक। चलिए हाँ, अब बाकी हाइपोथैलेमस यदि सही नहीं है, गड़बड़ बात है, इसको आप कंट्रोल में रखिए अभी से 12th तक,
ट्वेल्थ के बाद आपका एक प्यारा सा जीवन आपके लिए इंतजार कर रहा है। ट्वेल्थ आपने सही से कर लिया ना, उसके बाद आपको अपना रास्ता खुद मिल जाएगा। नहीं तो लोग कहेगा अरे इंजीनियरिंग वाला फॉर्म नहीं भरता है रे, हैं रेलवे वाला फॉर्म आया, अरे बेटा फॉर्म भर लेना, बिहार पुलिस का आया है, यूपी पुलिस का हैं, राजस्थान में भी आया वैकेंसी सुने हैं, ग्रुप डी में नहीं भरा रे, गिट्टी तोड़ना जाके, है ना। इसीलिए बाबू अभी है टाइम आपके पास, कितना मतलब पढ़ाई इतना मज़ेदार चीज़ है, पता नहीं कैसे लोग को इससे दिक्कत होता है ना। चलिए अब देखिए ये लास्ट वाला बच गया डायन्सेफलॉन। डायन्सेफलॉन क्या करता है, हमको पहला बात तो ताप का अनुभव कराता है, मैंने बताया था ना ये दोनों मिलकर काम करता है, ये थैलेमस और डायन्सेफलॉन, ये क्या करता है ताप का अनुभव कराता है। दूसरा दर्द जो होता है ना मारने पर, वो इसी की वजह से होता है, इसी की वजह से आप रोते हैं, समझे, आपके आँख में आंसू आ जाना, आप रोने लगते हैं ना, वो रोने का कारण यही है, यही आपको रोने के लिए उत्तेजित करेगा, यही आपको रोने नहीं देगा, कौन तो डायन्सेफलॉन। ठीक है, तो कितना प्यारा सा पहला अग्र मस्तिष्क वाला भाग था, आपको एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं लिखना है, एग्जाम में आपको क्या कहता है मस्तिष्क के कार्य को समझाएं, पहले मस्तिष्क के बारे में बताइए। मस्तिष्क हमारे शरीर का एक अहम कोमल अंग है जो हमारे शरीर में सभी प्रकार के सूचनाओं को और शरीर को नियंत्रित रखने का काम करता है। ठीक है, सभी प्रकार की सूचनाओं ग्रहण करता है और शरीर को नियंत्रित रखने का कार्य करता है। हमारे मस्तिष्क के सबसे ऊपर में खोपड़ी पाया जाता है जिसको क्रेनियम कहते हैं, और हमारा ब्रेन मेनेंजीज नाम के झिल्ली में बंद रहता है। ठीक है ना, इसके बाद लिखना हमारे मस्तिष्क का तीन भाग है। पहला भाग अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क मुख्य रूप से चतुराई का केंद्र माना जाता है। इसके साथ साथ याद रखना जिज्ञासा या तापमान में अंतर, भूख प्यास प्रेम आदि को उत्तेजित करता है। ठीक है ना, बस इतना ही आपको लिखना है, मैंने आपको डिटेल में बताया ताकि आप समझ सको। अब समझिए सर, हम ब्रेन को देख के बता सकते हैं कौन तेज है कौन बकलोल है। हाँ देखिए ये ब्रेन है ना, ब्रेन में आप कौन सा कलर लाल लेते हैं, ब्रेन में आप जितना ऐसा गड्ढा देखिए ना, यहाँ बना देखिए इस टाइप का गड्ढा जितना होगा ना, इसको देखिए जहाँ पे धसल उसको गायरस कहा जाता है, जहाँ पे उठल उसको सल्कस कहा जाता है। तो सल्कस और गायरस जितना ज़्यादा है उसका ब्रेन उतना ज़्यादा एक्टिव है, यानी जिसके ब्रेन में ज़्यादा डिजाइनिंग बना हुआ है उसका ब्रेन ज़्यादा फास्ट काम करेगा। ठीक है ना, तो सल्कस और गायरस क्या बताता है, तो दिमाग कौन तेज है कौन मंदबुद्धि है, समझे। चलिए अब आते हैं आगे चलते हैं। अगला है हमारा बीच वाला यानी मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क हमारे दिमाग का सबसे छोटा पार्ट है, सबसे बड़ा है अग्र मस्तिष्क, सबसे दूसरा नंबर पे है पश्चिम मस्तिष्क। ये हमारे ब्रेन का छोटा वाला पार्ट है, ये इसका मुख्य काम पता है क्या है, आँख और कान के पेशियों पर नियंत्रण रखना। यानी आँख से जो देखते हैं ना वो सीधे सिग्नल जाता है दिमाग में, तो दिमाग के किस पार्ट के पास, मध्य मस्तिष्क, जिसको हम लोग सेरिब्रल कहते हैं। पहला सेरिब्रम, दूसरा सेरिब्रल, तीसरा सेरिबेलम। तो सेरिब्रल क्या करता है, आपके आँख और कान के सूचनाओं का नियंत्रण स्थापित करता है और आपके सारे सूचनाओं को, देखिए आपका ये क्या कर रहा है, मध्यम ब्रेन आँख से आए हुए फोटो को ले रहा है, अब ये देगा किसको, अग्र मस्तिष्क को। भैया पहचानते हैं इसको, उसको याद है, हाँ ये तो पापा है, चलो पहचान लिए। तो ये लोग इस तरह से मिलजुल के काम करता है। ठीक है ना, आपको मध्य मस्तिष्क का क्या कार्य लिखना है, तो आँख और कान के पेशियों को नियंत्रित करना, पहला बात संतुलन में रखना। दूसरा कारपोरा होता है इसका दूसरा पार्ट। कारपोरा क्या करता है कि देखिए हमारे ब्रेन का ये है स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ के हड्डी में, हम बताए थे ना हमारे ब्रेन में, हमारे शरीर में दो को ब्रेन, एक को माथा में एक को रीढ़ के हड्डी में। तो रीढ़ के हड्डी वाले ब्रेन का कनेक्शन इससे मिलाना, क्योंकि आपके पूरे शरीर का यदि ये शरीर बनाया जाए, बोले बड़ा गजब शरीर बनाए सर, है ना, तो आप समझाने के लिए बने, देखिए यहाँ पे यदि ये रीढ़ का हड्डी है तो पूरे शरीर का इन्फॉर्मेशन रीढ़ के ही हड्डी में पहुँचेगा और ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से ब्रेन के पास पहुँचता है। तो इसके और इसके सूचनाओं का तालमेल बैठाता है कौन, तो ये कारपोरा, मेरुरज्जु और मस्तिष्क का तालमेल बैठाता है, समझ गए। चलिए अगला है लास्ट वाला पार्ट हमारे ब्रेन का, वो है पश्चिम मस्तिष्क, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट है। कोमा में क्यों चल जाते हैं, पीछे क्यों नहीं नाना पाटेकर, अरे पीछे नहीं मारने का, छोटा दिमाग पाया जाता है, पीछे क्यों नहीं मारना चाहिए, फिल्म सब में देखा पीछे से गन से मारता है बेहोश हो जाता है, क्या रीजन है, आइए यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले तो पश्चिम मस्तिष्क का दो भाग है, एक तो पहला सेरिबेलम है और दूसरा हमारा मस्तिष्क स्टेम है। सेरिबेलम क्या है, इसको अनुमस्तिष्क के भी नाम से जाना जाता है, हमारे शरीर का, हमारे मस्तिष्क का दूसरा बड़ा वाला भाग है। ठीक है, दूसरा बड़ा वाला भाग है, ये क्या करता है, तो बॉडी का जो पोस्चर होता है ना इसको समन्वय करता है। यानी आपका बॉडी टेढ़ा होना, सीधा होना, हाथ उठना, ये सब जो होता है ना,
ये पोस्चर मतलब समझ बॉडी का अलग अलग पोजिशन, इसको ये पहली बात तो नियंत्रित और समन्वय में लाता है ना, कंट्रोल में लाता है, कोऑर्डिनेशन बैठाता है। अगला एक छीक पेशी पर नियंत्रण, एक छीक पेशी नाइन्थ क्लास में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, यहाँ पे हाल फिलहाल मतलब छोटा मोटा बताते हैं हम। एक छीक पेशी क्या होता है, वैसे पेशियाँ जो हमारी इच्छा से चलता है, जैसे हमारा मन बोलने का मन होगा तो बोलेंगे, नहीं तो चुप रहेंगे, बोलवा लो तुम नहीं बोल पा रहे हैं। हाथ उठाने का मन होगा उठाएंगे, मुंडी हिलाने का मन होगा दौड़ने लगेंगे। तो जो भी काम अपने वो अपने शरीर का वो सारा पेशी जिसको आप अपने इच्छा से चलाते हैं उसको ऐच्छिक पेशी कहा जाता है, और इस पेशी का कंट्रोल होता है। यानी यदि पीछे वाले दिमाग में आपको चोट लग गया ना सेरिबेलम में, तो आपका सेरिबेलम में चोट लगने के बाद बड़ा दिक्कत हो जाएगा, आपका ऐच्छिक पेशी से कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, ऐच्छिक पेशी से कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, आप ना हाथ हिला पाइएगा, ना पैर हिला पाइएगा, ना जीभ हिला पाइएगा, ना जबड़ा हिला पाइएगा, किसी भी प्रकार का गति नहीं कर पाइएगा। और इसी पोजीशन को कहा जाता है कोमा का पोजीशन। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, मुंडी हिला नहीं पा रहे हैं अपने से, क्यों? क्योंकि आपने सेरिबेलम का कंट्रोल ही खो दिया है। तो सेरिबेलम हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, जो क्या करता है, बॉडी को नियंत्रित रखता है ना, चलने में गति करने में सहायक होता है। अगला मस्तिष्क स्टेम जो होता है, इसका दो पार्ट होता है, पहला मेडुला ऑब्लोंगेटा, दूसरा पॉन्स वेरोलाई। मेडुला ऑब्लोंगेटा बहुत ज़्यादा काम करता है, पॉन्स वेरोलाई का एक छोटा सा काम है। सुनिए, पॉन्स क्रीम भी आता है ना पॉन्स वाला, जी वही पॉन्स वैसे याद रख लीजिए, ये श्वसन के गति को कंट्रोल करेगा। कभी कभी तेज सांस लेने लगते हैं, कभी कभी स्लो सांस लेते हैं, बचपन में क्या होता है इस पर हमारा कंट्रोल सही से नहीं होता है, इसीलिए देखिए कुछ कुछ बच्चा क्या होता है, रोते रोते ऐसे करके रह जाता है, सांस ही नहीं ले पाता है। आप देखे होंगे बहुत सारे बच्चे को गांव समाज में, क्योंकि वो कंट्रोल ही उस समय नहीं कर पाता है श्वसन के गति को, है ना। तो उस समय थोड़ा सा उसके पॉन्स वेरोलाई में बचपन में थोड़ा कमजोरी रह जाता है, बाद में धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। उस समय क्या करिए, उसको सीधा करके पीठ पे खटाखट ठोकिए, रीढ़ की हड्डी पे, अब मुक्का नहीं देने लगना, ऐसे करके ऐसे थप 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 करना, उसको नीचे झुका थप 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 करना, सांस ले लेगा, ठीक है। चलिए अगला मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे मस्तिष्क का सबसे लास्ट पार्ट है, पिक्चर में दिखाते हैं, सबसे लास्ट पार्ट है, ठीक है, जिसके बाद रीढ़ का हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाएगा, जहाँ से हम लोग तंत्रिका कोशिका में पढ़े थे। इसका क्या, ये स्पाइनल कॉर्ड का एक भाग है, बोले ना स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। ये क्या करता है, आपके हृदय यानी अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है, अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। जैसे आपके हृदय का धड़कन, बोले अरे दिल थोड़ा रुक जा, धड़कना मत भाई, कुछ बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट बात, रुकेगा वो नहीं, रुकेगा आपकी इच्छा से नहीं चलता है। अगला आपका श्वसन का गति, आप तेज सांस ले रहे हैं, स्लो सांस ले रहे हैं, ये भी कंट्रोल करता है। आपका ब्लड प्रेशर, आपका बीपी कितना हाई लो हो रहा है, यही मेडुला ही इसका डिसीजन लेता है। सांस लेना, खांसी खांसना, छींकना, ये सब का सब काम कौन करता है, ये हमारा मेडुला ही करता है। तो कितना प्यारा सा पार्ट था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें पिक्चर बनाना सिखाएंगे, इसमें कुछ पार्ट और बचा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में पिक्चर बनाना सिखाएंगे, क्योंकि इसमें पिक्चर बनाना सिखाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, है ना। तो और समझिए कैसे इसको यहाँ पे समझेंगे, यहाँ देखिए, ये हमारा सबसे ऊपर देखिए, ये वाला हमारा है फोरब्रेन यानी मध्य अग्र मस्तिष्क, ठीक है ना। ये जो नीचे में यहाँ पे ये वाला डिजाइनिंग देख रहे हैं, ये वाला डिजाइनिंग है हमारा लास्ट वाला छोटा मस्तिष्क, और ये जो ये पोर्शन देख रहे हैं ना आप, इसी पोर्शन में यहाँ का ये जो मोटा वाला भाग देख रहे हैं ये पॉन्स है, और सबसे लास्ट वाला भाग जो देख रहे हैं ये मेडुला है, ठीक है। और यहाँ पे एक देखिए छोटा सा ग्रंथी देख रहे हैं ना, ये ग्रंथी है पीयूष ग्रंथी यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, IMP वाला है पिट्यूटरी ग्रंथी, इसको मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं, मास्टर ग्रंथी। इसके बारे में हम लोग हार्मोन वाले चैप्टर में, हार्मोन वाले वीडियो में पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद हार्मोन वाला वीडियो आएगा। तो दोस्तों कितना मज़ेदार सा वीडियो था, आपको सच बताते हैं पसंद आया ना लाइक ज़रूर करना। मैं बताया वीडियो क्यों नहीं बना पाता हूँ रेगुलर, आप लोगों की वजह से, ठीक है ना। आप बोलते सर आपके वजह से आपके वीडियो पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ पर डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ यार आप लोगों के कमेंट्स को देख के, लाइक को देख के, व्यूज़ को देख के, है ना। कोई टीचर फ्री में यूट्यूब पे क्यों पढ़ाएगा, दो ही चीज़ में, या तो आप उनको अच्छा अच्छा कमेंट करिए, देख के खुशी तो मिले, कम से कम पैसे तो आपको कहते हैं आपके 600-400 व्यूज से पैसे आ जाते हैं, 6 मिलियन 7 मिलियन से पैसे आते हैं भाई साहब, ठीक है ना। आपको कोई फ्री में पढ़ा रहा है किस लिए जानते हैं, कम से कम आप फ्री में पढ़ रहे हैं ना तो आप लाइक करें वीडियो को, ताकि टीचर को एक मोटिवेशन मिल सके। आप देख लेते हैं भाग जाते हैं, क्या लगा है लाइक करने से कि आप अमीर गरीब हो जाएगा, हम अमीर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, बस मोटिवेशन का बात है, है ना। आप यदि पूरे वीडियो को समझ गए तो आपको बताना है कि हमारे ब्रेन का कौन सा भाग हमारे बॉडी का ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।